जो लोग सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं उनको एंटी नेशनल बताया जा रहा है। लेकिन इनके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि जिस यूनिवर्सिटी को एंटी नेशनल बताते हैं उसको नोबेल मिल जाता है, जिस चैनल को एंटी नेशनल बताते हैं, जिस पत्रकार को एंटी नेशनल बनाते हैं उसको मैग्सेसे पुरस्कार मिल जाता है। मोदी जी के पुराने भाषण को सुनिएगा। मोदी जी कहते थे कि अगर देश में एक मजबूत प्रधानमंत्री होता तो रुपया कभी नीचे नहीं जाता। मन करता था कि बाप रे बाप, ये आदमी कब देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और जब प्रधानमंत्री हो गए हैं, रुपया रोज नीचे जा रहा है, तब एक सवाल नहीं बोल रहे हैं कि रुपया क्यों नीचे जा रहा है। जब मुख्यमंत्री थे तो भाषण देते थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं आधार योजना को लागू नहीं होने दूंगा। आए भी, आधार योजना लाए भी और मरे भी नहीं है, एकदम जीता जागता खड़े हैं। जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि जीएसटी सबसे खराब योजना है, इसको कभी नहीं लागू होना चाहिए। अब सरकार में है, प्रधानमंत्री हैं, जीएसटी लागू के कर दिए हैं और उनको मालूम है कि जीएसटी में गड़बड़ी है। आपको मालूम है सैकड़ों बार उसमें परिवर्तन किया गया है, सैकड़ों बार। सरकार खुद बजट लेकर के आती है और कहती है कि कॉरपोरेट टैक्स लगाने से देश को फायदा होगा, इसीलिए हमने कॉरपोरेट टैक्स लगाया है। और जब मंदी आती है तो चुपचाप जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, चुपचाप कॉरपोरेट टैक्स को घटा देते हैं, देश को पता नहीं चलता है। अरे अपनी बात पे तो टिके रहते। एक कहावत बार बार कही जा रही है, बार बार एक बात कही, कहावत कही जाती थी कि झूठों की बात पे और घोरों की लात पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब ये झूठों की बात की जगह ये हो गई है कि भाजपा की बात पे और घोरे की लात पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बात हमको बता दीजिए जो इन्होंने कहा हो और जिससे ये टिके हुए हैं। जब चुनाव आए तो बात इस पे नहीं हो कि कौन अच्छा है, बात इस पे हो मोदी नहीं तो कौन। आपने देखा होगा 2019 के चुनाव के वक्त भाजपा के लोगों के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था। किसी भी पान की दुकान पे खड़ा होकर के आप उससे पूछते कि यार सब बात तो ठीक है लेकिन ये बताओ, किसी के खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया, 2 करोड़ नौकरी नहीं पैदा हुई, किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई, महिलाओं पे अत्याचार नहीं रुका, महंगाई कम नहीं हुई, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, तो क्या तुमको ये बात ठीक लगती है? तो भाजपा के कार्यकर्ता का जवाब होता था कि देखो तुम्हारी सब बात ठीक है लेकिन मोदी नहीं तो कौन, यही कहते, यही जवाब होता था ना। और अभी भी देश में क्या जवाब है? ठीक है, सरकार कोई काम नहीं कर रही है, मोदी नहीं तो कौन, यही पूछा जाता है ना। ये अपने आप तैयार नहीं हुआ है, इसको तैयार करने के लिए पैसा खर्च किया गया है, इन्वेस्टमेंट हुआ है। और इन्वेस्टमेंट कैसे होता है ये मैं बताता हूं। सिनेमा आप लोग देखते होंगे, सपोज कीजिए कि मेरे बाप के पास बहुत पैसा हो और हमको शौक हो हीरो होने का, तो मेरा बाप क्या करेगा? मेरा बाप किसी डायरेक्टर को पकड़ेगा, है सुनो एको कहानी लिखवा के लाओ, मेरा बेटा हीरो होगा। हैं, हमको तो आप देख ही रहे हैं 5 फुट 5 इंच, हैं, तो हीरो जैसा हाइट तो मेरा है नहीं, लेकिन हमको हीरो होना है तो हम हीरो कैसे होंगे? तो हम 4 फुट 5 इंच का आदमी खोज करके लाएंगे, तब उसके सामने हम लंबा दिखेंगे। इस बात को समझ रहे नहीं? कोई भी आप हिंदी सिनेमा का गाना देखिएगा, हीरोइन जैसी हो उससे ज्यादा खोज करके महिला को लाया जाता है। खराब मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं खराब किसी को नहीं मानता हूं, लेकिन उससे तुलना में देखने में वो अच्छी ना लगे, थोड़ा उसमें मेकअप पाउडर लिपस्टिक ये सब भी लगाया जाता है। और बेचारी अपना पीछे में ऐसे ऐसे कर रही है तो सारे दर्शक का नजर किस पे रहता है? हीरो पे नहीं, हीरोइन पे नजर रहता है। अब पीछे में जो 20-25 बल्लन नाच रहा है उसको कोई नहीं देखता है, उसको 200-200 रुपया देकर के बुला लिया, उसको कोई नहीं देख रहा है। अब टीवी पे अगर दिन रात आपको मोदी मोदी चलेगा
तो आपके दिमाग में क्या लगेगा? आपको लगेगा कि इसके अलावा हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं, यही हीरो, यही है मेरा जूता है जापान में। किसी को प्रधानमंत्री चुनना चाहिए, यही हो रहा है, नहीं हो रहा है आपके साथ? यही हो रहा है ना। अब दिन रात टीवी पे होगा मोदी मोदी, भोरे गुड मॉर्निंग फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में मोदी, और शाम को जो है गुड नाइट ससुराल के व्हाट्सएप ग्रुप में मोदी, पेट्रोल पंप पे मोदी, टीवी पे मोदी, पान दुकान पे मोदी, ऑफिस में मोदी। तो आपका दिमाग अपने आप कहने लगेगा मोदी मोदी मोदी। सिनेमा देखते हैं ना आप, ये किस प्रयोग को जाकर के कीजिएगा आज अपने घर में, एक गाना चलाइएगा और देखिएगा कि हीरो के पीछे में 50 गोलौंडा नाच रहा है, एकदम बढ़िया कमर हिला रहा है, हो सकता है कि हीरो से ज्यादा अच्छा डांस कर रहा हो, कौन देखता है उसको? क्योंकि हीरो को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है, ये जो सामने में कैमरा पे काम कर रहे हैं ये लोग बहुत वैज्ञानिक लोग हैं, इनको बहुत नॉलेज है, आपको बता देंगे कि कैसे जो है पीछे बैठे हुए सब आदमी को ब्लर कर देंगे और मेरा ही मुंह रहेगा। तो आपको अगर ये लग रहा है कि आप प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे ये सवाल किया गया है, क्वेश्चन भी सेट है और आंसर भी सेट है, देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? ए नरेंद्र मोदी, बी जो भाजपा का सबसे अच्छा नेता हो, सी जिसको आरएसएस बहुत प्यार करता हो, डी जो पूंजीपतियों का दुलारा हो, और ई उपरोक्त सभी। तो आपके पास ऑप्शन ही एक है, और आप हमको बताइए कि ये हिंदुस्तान है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जब आप चलेंगे ना, तो इतनी भाषाएं हैं जितना आपका उम्र नहीं होगा। कितना उम्र होगा ज्यादा से ज्यादा आपका? 30 साल 35 साल? है हजारों भाषाएं हैं हिंदुस्तान में, हजारों भाषाएं, हजारों संस्कृति हैं, हजारों बोलियां हैं, और हजारों साल का इतिहास जिस देश के पास हो, उस देश में अगर यह कहा जाता है मोदी नहीं तो कौन, ये शर्म की बात है। इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। 135 करोड़ का देश है और इस देश में हमारे पास विकल्प नहीं है। विकल्प है लेकिन हमको विकल्प देखने नहीं दिया जाता है। बार बार हमारे सामने एक ऐसा विकल्प रखा जाता है कि हम अपने आप उस विकल्प की तरफ चले जाएं, जिस विकल्प की तरफ हमको भेजने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ठंडा मतलब कोका कोला होता है ठंडा मतलब, है नारियल पानी नहीं होता है, लस्सी सत्तू दही ये सब ठंडा नहीं होता है, मिश्री सब ठंडा होता है कि नहीं होता है? तो कोका कोला किसे ठंडा मतलब हो गया? क्योंकि आपके दिमाग में डाल दिया गया। कॉलेज की दीवार पे ठंडा मतलब कोका कोला, अमीर खान बोला ठंडा मतलब कोका कोला, कैटरीना कैफ बोली ठंडा मतलब कोका कोला, सचिन तेंदुलकर बोला ठंडा मतलब कोका कोला, पूरा देश बोल रहा है ठंडा मतलब कोका कोला। ऐसे देश चलेगा? अब की बार भाजपा सरकार नहीं है साहब, अब की बार विज्ञापन की सरकार है। आप ये अपने दिमाग में डाल लीजिए, एडवर्टाइजमेंट की सरकार है। जो लोग भगत सिंह के रास्ते पे चलते हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह के सपनों का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, उनको देशद्रोही कहा जाता है। और गद्दार को, कायर को आज भारत रत्न देने की बात की जा रही है। ले लो भारत रत्न, तुम्हारी सरकार है, ले लो भारत रत्न, बना लो अपने नाम पे यूनिवर्सिटी, बना लो अपने नाम पे सड़कें। लेकिन इतिहास तुमसे बार बार यही सवाल पूछेगा कि ए कायरों, जब भगत सिंह फांसी पे झूल रहे थे तो तब तुम अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे? यह इतिहास बार बार तुमसे पूछेगा। इतिहास इनके पक्ष में नहीं खड़ा है, इसीलिए ये चाहते हैं कि इतिहास पढ़ाने वाली यूनिवर्सिटी को ही बर्बाद कर दिया जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि जो सुबह सुबह जाकर के शाखा में प्रणाम करने वाले लोग हैं, उनको वाइस चांसलर का अच्छा अच्छा पोस्ट दे दिया गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को तबाह इसलिए किया जा रहा है कि जब इस देश का जो शोषित पीड़ित आवाम है वो इतिहास पढ़े और सवाल पूछे
कि हमारा इतिहास क्यों नहीं लिखा गया, तो उस सवाल को गुमराह किया जा सके। अभी कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भाषण दे रहे थे इसी तरह के मंच पे। मंच पे खड़ा होकर के उन्होंने कहा कि लिंचिंग भारतीय परंपरा का शब्द नहीं है। ठीक बात है, लिंचिंग अंग्रेजी का शब्द है, भारतीय परंपरा का शब्द नहीं है। लेकिन ए मोहन भागवत जी, सुबह उठ करके डंडा लेकर के जो आप शाखा में ऐसे करके हाथ उठा के प्रणाम करते हैं, ये कौन सी भारतीय परंपरा में प्रणाम करने का तरीका है, ये हमको समझा दीजिए। जो आप फूल पैंट पहनते हैं, पहले हाफ पैंट पहनते थे और सेट पहनते हैं, काली टोपी लगाते हैं, वो कौन सी भारतीय परंपरा का परिधान है, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। किसके आंख में धूल झोंक रहे हैं? हिंदुस्तान के आंख में धूल झोंकना चाहते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान है, इसके आंख में धूल झोंकने का प्रयास एक बार सिकंदर ने भी किया था, मुंह खा करके वापस गया था। आप भी कामयाब नहीं होने वाले हैं, इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। और ये बार बार क्या करते हैं, अपने कारनामों को छुपाने के लिए, अपने कुकर्मों को ढकने के लिए हमारी महान बहादुर भारतीय सेना का नाम लेते हैं। अभी आप में से कई सारे लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, एक बहन है हमारी, सीआरपीएफ में काम करती है बेचारी, और उसके मुंह से यह कहा गया कि मैं कन्हैया के सीने में तिरंगा झंडा गाड़ना चाहता हूं। कोई जाए और कन्हैया के सीने में तिरंगा झंडा गाड़ दे, मेरे सीने पे अगर इस देश की आन बान शान तिरंगा अगर गाड़ा जाएगा, तो इससे ज्यादा गर्व की कोई बात नहीं हो सकती है, मैं खुशी खुशी उसको स्वीकार करूंगा। लेकिन बहन ये बताओ, मैं तुमको तुम्हारे इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं मानता हूं, ना मुझे तुमसे कोई शिकवा है ना शिकायत है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमको तुम्हारी सेवा के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन तुम जिस युग में रहती हो, ये युग सूचना का युग है, कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन का टाइम है। दुर्भाग्य की बात यह है कि तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचा है। अगर इन्फॉर्मेशन पहुंचा होता तो तुमको पता होता मेरी बहन कि जिस सीआरपीएफ में तुम काम करते हो, उसी सीआरपीएफ में काम करते हुए मेरा एक भाई वीर गति को प्राप्त हुआ था, उसको शहादत हुई थी। तुम हमारे खिलाफ नहीं बोलती, तुम हमारे साथ आकर के खड़ा होती। तुम सिर्फ हमारे साथ आकर के नहीं खड़ा होती, तुम तेज बहादुर यादव के साथ भी जाकर के खड़ा होती, जिसने कहा कि हमको अच्छा खाना नहीं मिलता है, और यह बात बोलने के चलते उसको उसकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है।